हाय डियर फ्रेंड, हम सभी देख रहे हैं आरआरबी जेई 2019 जो 22 मई से स्टार्ट है और आप सभी रेगुलर बेसिस पे इस पर देखते रहिए कि और हमने 25 क्वेश्चन को पहले ही वाले वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है, आरआरबी जेई का ये पहला पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं जिसमें 25 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये 26 क्वेश्चन हैं जो आप देखते जाइए कि ताकि आपका इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आपका क्लियर, ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 12 मिनट के वीडियोज़ होंगे और अप्रोक्सीमेट आई थिंक 15-90 या 20 वीडियोज़ होंगे, तो आप रेगुलर बेसिस पे देखते रहिए कि ताकि आपका इसमें आपका फोकस अच्छा बन सके। ठीक है, तो देखिए 25 क्वेश्चन क्या है। स्पायरल शेप बैक्टीरिया इज कॉल्ड, जो बैक्टीरिया का स्पायरल शेप है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको जो बोला जाता है वो है आपका स्पिरिलम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्पिरिलम। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स इज नॉट फाउंड इन ह्यूमन लेग, इनमें से कौन है बोन्स जो ह्यूमन लेग में नहीं पाए जाते हैं। 27 देखिए नहीं पाए जाते हैं, तो 27 का करेक्ट ऑप्शन है ह्यूमरस। ठीक है, ह्यूमरस जो बोन का नेम है ये ह्यूमन लेग में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, और एक और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जान लीजिए कि जो फीमर होता है वो ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा, मतलब लेंथ में बोले चाहे बड़े में बोले लार्ज में बोले लार्ज बोन्स होता है। ठीक है, 28 क्वेश्चन देखिए। द एंजाइम फाउंड इन ह्यूमन सलाइवा इज, तो उसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है, PTYLIN, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट। अब इसको जो भी आप प्रोनाउंसिएशन करते हैं, टाइलिन बोले चाहे जो भी प्रोनाउंसिएशन करते हैं, सेकंड ऑप्शन इज द राइट। तो एंजाइम फाउंड इन ह्यूमन सलाइवा इज द सेकंड ऑप्शन, टाइलिन बोल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। वायरस ऑफ बर्ड फ्लू इज नोन एज, बर्ड फ्लू का जो वायरस है तो उसको क्या बोला जाता है, तो बर्ड फ्लू का जो वायरस है उसको बोला जाता है H5N1, ऑप्शन 3 H5N1। ध्यान रखना कि वायरस ऑफ बर्ड फ्लू, बर्ड फ्लू स्वाइन फ्लू अलग है, बर्ड फ्लू अलग है। ठीक है, ध्यान में देख लेना H5N1। ठीक है, जिप्सम इज एन ओर ऑफ, जिप्सम किसका ओर है, जिप्सम जो है वो किसका ओर है, तो वो है कैल्शियम का, ध्यान देना कैल्शियम का ओर है। फिर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर किलिंग रैट, रैट को किल करने के लिए क्या यूज किया जाता है, तो रैट को किल करने के लिए यूज किया जाता है जिंक फॉस्फाइड, जिंक फॉस्फाइड यूज किया जाता है। 32 क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन 32 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, आइसोटोप हाइड्रोजन इनमें से नहीं है, ध्यान देना कि नहीं है बोला है, आइसोटोप वो नहीं है। तो 32 जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट ऑप्शन है इरिडियम, इरिडियम नहीं है, ऑप्शन 2 इज नॉट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, इसमें से कौन है जो इनपुट डिवाइस नहीं है, देखो ध्यान देना कि नहीं है इनपुट डिवाइस, तो इनपुट डिवाइस जो इसमें से नहीं है वो है आंसर है प्रिंटर, प्रिंटर इनपुट डिवाइस नहीं है, बाकी सभी इसमें देखिए माउस है, स्कैनर है, कीबोर्ड है, सभी इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर इनपुट डिवाइस नहीं है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट। देखिए http://www.discovery.com इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है ये, ठीक है, देखिए कंप्यूटर से रिलेटेड भी ये क्वेश्चन पूछ दिया है, तो वेब ब्राउजर है, वेबसाइट है, वेब पेज है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है वेबसाइट। 35 क्वेश्चन देखेंगे। अ प्रिस्क्राइब सेट ऑफ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शन फॉर सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज, तो 35 का क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन जो है वो है एन अल्गोरिदम। फिर नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी कौन सा है, तो 36 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है पार्ट फोर्थ है, ध्यान देना पार्ट फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोलता है, द 44th अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिमूव्ड विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट, तो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड ये 37 का क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है राइट ऑफ प्रॉपर्टी।
राइट ऑफ प्रॉपर्टी। 38 क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हु वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, बिहार का पहला चीफ मिनिस्टर। अब देखिए कुछ चीज़ें तो हमें अगर पढ़ रहे हैं तो कुछ चीज़ें तो हमें ये पता चल जाती है कि हम सभी जितने भी स्टेट हैं वो आपको पता होने चाहिए। स्टेट में जो पहले चीफ मिनिस्टर हैं या अभी चीफ मिनिस्टर कौन है, ये चीज़ें ज़्यादातर आपको याद रहने चाहिए। तो 38 का जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट ऑप्शन जो है कृष्णा सिंह, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट। कृष्णा सिंह इज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जस्ट बिफोर डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह से जस्ट पहले कौन प्राइम मिनिस्टर था, ठीक है, कौन प्राइम मिनिस्टर था। तो 39 जो है उसका करेक्ट ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी इनके जस्ट पहले प्राइम मिनिस्टर थे। फिर नेक्स्ट आ जाता है जापान्स पार्लियामेंट इज नोन एज, जापान का जो पार्लियामेंट है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको जो कहा जाता है उसको डाइट बोला जाता है, ठीक है। जापान का पार्लियामेंट का नाम क्या है, डाइट। 41 देख लेते हैं। जैमिनी रॉय वॉज ए फेमस, जैमिनी रॉय किस फील्ड में फेमस हैं, 41 क्वेश्चंस। तो 41 क्वेश्चंस का करेक्ट ऑप्शन है पेंटर। जैमिनी रॉय क्या है, पेंटर हैं, ध्यान देना। NCERT स्टैंड, देखो NCERT लास्ट ईयर से ही स्टार्ट किया गया है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो पहला नंबर तो ये एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। 42 का अगर देखें तो ये एजुकेशन से रिलेटेड है और काउंसलिंग है ये, ठीक है, रिसर्च है एजुकेशन का प्लस ट्रेनिंग है, ये ध्यान रखना। तो ये सेकंड ऑप्शन नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इज द राइट आंसर, ठीक है। अगर आप NCERT बुक 9th, 10th या 11th, 12th का देखते हैं तो उसमें लिखा भी रहता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये 42 का है, ठीक है। देख लेते हैं 43 क्वेश्चंस। हु डायरेक्टेड द फिल्म स्लम डॉग मिलेनियर्स, देखिए डायरेक्ट कौन किया था ये बात कर रहा है, कौन उसमें काम किया था, नहीं डायरेक्ट किसने किया था। तो डायरेक्ट करने वाले जो थे वो थे डैनी बॉयले, कौन थे, ऑप्शन नंबर 3 डैनी बॉयले, ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट फीमेल एम्प्यूटी टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, फर्स्ट फीमेल की बात कर रहा है जो माउंट एवरेस्ट पे क्लाइम किए थे। तो 44 का समीना बैग, अरुणिमा सिन्हा, बचेंद्री पाल, रहा मोहरक, रहा मोहरक, तो रहा मोहरक इसका 44 का करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सेकंड, अरुणिमा, अरुणिमा सिन्हा। देखो एक चीज़ यह ध्यान रखना कि एम्प्यूटी बात किया है, एम्प्यूटी क्या बात किया है, एम्प्यूटी, ठीक है। The who was the first female amputee to climb Mount Everest? Okay. Next, who was declared man of the series? Man of the series, sorry, man बोल रहा था, man of the series in the ICC Champion Trophy 2013. देखिए 2013 का पूछ दिया है, तो 2013 Championship Trophy जो ICC का था वो किसको दिया गया था, तो वो जो दिया गया था वो थे शिखर धवन, कौन थे, शिखर धवन थे। 46 क्वेश्चन देख लेते हैं। 46 क्वेश्चन क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट इज कंसीडर्ड इंडियाज मोस्ट फ्लड प्रॉन स्टेट, फ्लड प्रॉन स्टेट है वो है कौन, बिहार, बिहार इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं 47 नंबर का क्वेश्चन। Who among the following is the author of the book मुद्रा रक्षा, मुद्रा रक्षा, तो कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन 4 इज द विशाखा दत्ता, विशाखा दत्ता इनमें से मुद्रा रक्षा के बुक के ऑथर हैं, इनमें से विशाखा दत्ता। विष्णुपद टेम्पल इज सिचुएटेड, विष्णुपद टेम्पल कहाँ पर है, तो वो है गया में, कहाँ पर है, गया में, विष्णुपद टेम्पल गया में है। 49 अगर क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं तो 49 जीरा देवी द बर्थ प्लेस ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कम्स अंडर विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, किस डिस्ट्रिक्ट में बिहार के आता है, तो 49 का करेक्ट ऑप्शन जो है वो है शिवम, शिवम, ठीक है, शिवम याद रखना। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो इज सिचुएटेड इन, कहाँ पर सिचुएटेड है, ये काफ़ी
फेमस क्वेश्चन है और ये अप्रोक्सीमेट सबको पता ही होगा, एक तरह से बोल सकते हैं ये इजी क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बेंगलुरु। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चन हो गए, 25 क्वेश्चन ये सेकेंड वीडियो था। नेक्स्ट हम वीडियो देखेंगे 51 to 75। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप अगर फर्स्ट पहले देखना चाहते हैं तो आपने सबसे पहले क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पर क्लिक करना है कि ताकि सबसे पहले आप वीडियो को देख सकें। ठीक है, और अपने फ्रेंड को भी शेयर करें कि ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।